Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Medical Global Learning. Myself Hamza Ali from 11th Pearl Medical College MBBS. आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है विटामिंस चैप्टर नंबर 28 ऑफ लिपिनकॉट. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें से जो एमसीक्यूज आने हैं वो 7 आने हैं और जो एससीक्यूज आने हैं वो 1.5 आने हैं. और इस आज के मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वाटर सोलबल विटामिंस के बारे में. शुरू करते हैं. हमारे पास जी यहाँ पे जो ओवरव्यू है ये आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं. और यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिंस है ये एसिक्यू के तौर पर आ सकता है, ये आपने याद कर लेनी है. और इसके बाद हमारे पास आ गया फॉलिक एसिड. ये आपने पैराग्राफ आपने रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू है वो मैंने मेंशन कर दिया है. फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड ये एसिक्यू के तौर पर भी आ सकता है, ये आपने याद कर लेना है. उसके बाद आ गया न्यूट्रिशनल एनीमियाज, ये आपने देख लेना है और इसमें जो एमसीक्यू होते हैं वो मैंने मेंशन कर दी है. यहाँ पे ये जो फिगर 28.2 है ये इंपॉर्टेंट है, ये एनीमियाज डिफरेंट एनीमियाज के बारे में है, ये आपने याद कर लेनी है. और यहाँ पे फोलेट एंड एनीमिया है, ये भी आपने देख लेना है और इसमें जो एमसीक्यू बने हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं. और यहाँ पे फिगर 28.3 है फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड, आपने ये फिगर भी देख लेनी है. और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फोलेट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फेटस, ये आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू बने हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोबालामिन विटामिन B12, ये भी आपने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये आपने रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू बने हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कोबालामिन एंड इट्स कोएंजाइम फॉर्म्स, ये आपने देख याद करना है, ये एसीक्यू है और इसमें जो एमसीक्यू बने हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं. यहाँ पे ये जो फिगर है 28.5 ये आपने देख लेनी है. और उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोबालामिन, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने याद कर लेना है. फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस है, ये एसीक्यू है, ये भी आपने याद करना है. उसके बाद है क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर विटामिन B12, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा का सारा याद करना है और इसमें ये जो फिगर है 28.7 ये भी आपने देख लेनी है. उसके बाद यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स में जो एमसीक्यू बनता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया. उसके बाद आ गया अस्कॉर्बिक एसिड, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में काफी दफा पूछा जाता है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. डेफिशिएंसी की वजह से जो स्कर्वी होती है वो स्कर्वी के बारे में डिटेल आपने कर लेनी है, ये भी एसीक्यू पूछा जाता है. और इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये आपने रीड ही कर लेना है और इसमें जो एमसीक्यू बनता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया. उसके बाद आ गया पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. ये रिएक्शन टाइप्स, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने याद कर लेना है. क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर पाइरिडॉक्सिन, ये भी आपने याद करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है. टॉक्सिसिटी ऑफ पाइरिडॉक्सिन, ये भी आपने याद करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है. उसके बाद हमारे पास आ गया थायामिन विटामिन B1, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा का सारा याद करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर थायामिन, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा का सारा याद करना है और जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दी है. बेरीबेरी आपने याद कर लेना है. वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये भी आपने याद कर लेना है और जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद हमारे पास आ गया नायसिन, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा का सारा याद करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे भी जो एमसीक्यू है वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नायसिन, ये अलहदा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है. क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर नायसिन, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. और डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया से प्लेग्रा जो होता है ये भी आपने एमसीक्यू के तौर पर कर लेना है और याद कर लेना है. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया बाय यूजिंग नायसिन, ये भी आपने याद करना है, ये एसीक्यू और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना है और इसमें जो एमसीक्यू बनता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है. उसके बाद हमारे पास आ गया राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ये आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं इसके एक्टिव फॉर्म्स और दूसरी जो है यहाँ पे जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. उसके बाद आ गया हमारे पास बायोटिन, ये भी आपने रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं कि ये किन रिएक्शन में यूज होता है
और इसके बाद राग का इस पे क्या इफेक्ट है ये भी आपने याद कर लेना है, और इसमें जो एमसीक्यू है वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, बाकी आपने इसे रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ गया पेंटोथीनिक एसिड, ये भी आपने रीड ही करना है, और इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। तो यही था वाटर सोलबल विटामिंस के बारे में, इंशाल्लाह आप इसे फॉलो करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन बाय मेडिकल ग्लोब एमबीबीएस क्रैक बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। एमबीबीएस क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 0335663307।